भारत न्याय संहिता 2023 कानून जो कि लोकसभा में पास किया गया है, एक बहुत बड़ी परिवहन उद्योग और हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागता है तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान इस बिल में बताया गया है। ये बिल बिना कोई सोचे समझे, बिना स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन से इसे बहुत जल्दबाजी में लाया गया है और ये बिल को लागू करना एक बहुत मुश्किल काम होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। हिट एंड रन केस की जो सजा के कारण परिवहन उद्योग में और हमारे ड्राइवर भाइयों में बड़ा आक्रोश है, नाराजगी है, भय है, डर है और आज से ही इसकी चिंता हमें सताने लगी है। पहले ही देश भर में 27% ड्राइवर की शॉर्टेज है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ड्राइवर एक वाइटल कंट्रीब्यूटर है रोड सप्लाई चेन में, माल ढुलाई में। अगर इसमें कोई सुधार नहीं किया गया या इस बिल को जो काला कानून की तरह हम इसको देख रहे हैं, अगर इसको वापस नहीं ले गया तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी देश में सप्लाई चेन में होगी। डर के मारे ड्राइवर गाड़ी चलाने से मना करेंगे और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने, कांग्रेस ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, इनको पत्र के द्वारा अपनी चिंताएं, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की चिंताएं अवगत कराई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल में सुधार होगा और कोई भी परेशानी आने वाले दिनों से इससे ना हो। इसी तरह हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से कि इस बिल में सुधार किए जाएं। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस।